एक कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अब अंत हो तो दूसरे तरीके से हो, साहित्यिक तरीके से हो, जैसा होना चाहिए। हास्य की खूब बढ़िया बातें हुई, श्रृंगार की बातें हुई, एक रस छूट गया है जो मैं बिल्कुल दादा स्वागत आदेश है बिल्कुल बिल्कुल। अरे तालियां बजाकर आप सब निवेदन करें दादा से। ये इसमें कविता जैसा कहीं कुछ मिल जाए तो वो आपकी समझदारी है, नहीं तो वर्णनात्मक शैली में ये मेरी कविता है। कुछ देखिए कविता के तत्व मिल जाए तो अच्छी बात है। एक सच्ची घटना प्रयागराज की। एक बाप के दो बेटे, दोनों अफसर। देखिए इस कविता को जेब में रख के ले जाइएगा, इसलिए सुना रहा हूं, ये मिशन की कविता है और इसमें थोड़ा सा उठिए नहीं, बस चार मिनट में सुनाता हूं, सुनिएगा। एक बाप के दो बेटे, दोनों अफसर। दोनों की मां का देहांत हो गया, उन बेटों की मां का देहांत हो गया। 13वीं बीती, 13वीं के दूसरे दिन दोनों बेटों ने बाप से कहा, तब बाप ने जो उत्तर दिया, बाप के मुंह से जो शब्द निकले, जो बातें निकली, मैं वो आपको सुना रहा हूं। एक बार ताली बजा करके बस शांति बनाइएगा। बाप ने कहा कि खेत बाग घर बेच दूं, चलकर रहूं तुम्हारे साथ शहर में, एक महीना छोटे के घर, एक महीना बड़े के घर में। भले अफसर हैं बेटे, बंटवारा बाप का इसी तरह से होता है। तब बाप ने कहा कि खेत बाग घर बेच दूं, चलकर रहूं तुम्हारे साथ शहर में, एक महीना छोटे के घर, एक महीना बड़े के घर में। ठीक कह रहे हो मेरे बेटों, समझ में मुझसे बढ़कर हो तुम, मैं किसान अनपढ़ गंवार हूं, पढ़े लिखे हो अफसर हो तुम। कांधा अपनी माँ की अर्थी को न दे सके, इसका गम है। नहीं आए थे जिस दिन दाह संस्कार हुआ, तब कहा बाप ने कि कांधा अपनी माँ की अर्थी को न दे सके, इसका गम है। लेकिन 13वीं पर आए, ये एहसान क्या मुझ पे कम है। क्या बतलाएं हमने तुमको, कितने नाजों से पाला था, तुम दोनों को चमकाने में खुद को धूमिल कर डाला था। ढंग की शिक्षा के प्रबंध में दिन बीते कितने बेढंगे, किसी तरह सिर ढका अगर तो पांव रह गए अपने नंगे। तुम्हें जिंदगी मान लिया था, तुम्हें जिंदगी मान लिया था, इसी लगन में थके नहारे, हम कितने बेरंग हुए तब सुर्ख हो सके स्वप्न तुम्हारे। स्वयं बेसुरे हुए तुम्हारे जीवन के संगीत की खातिर, कदम कदम पर हमें हारना पड़ा तुम्हारी जीत की खातिर। जीत मिली तो क्या बतलाएं, कितनी फूल गई थी छाती, लेकिन किस्मत ऐसी निकली, हार गए हम जीती बाजी। तीन महीने तक मां तड़पी, तड़प तड़प कर देखी रास्ता, मगर न आए उसके बेटे, एक व्यस्त दूजा भी व्यस्त था। पूरी काया कान थी उसकी, हर आहट को आंक रही थी, आंखों की बेचैनी पल पल दरवाजे को झांक रही थी। बीमारी उसका क्या करती, जीने की दृढ़ता थी गहरी, लेकिन अपने पन की टूटन शायद झेल न पाई ठठरी। मां करती रह गई प्रतीक्षा अपने बेटों के आने की, बेटे करते रहे प्रतीक्षा मां के प्राण निकल जाने की। अंतिम सांसों तक ममता की परछाई आंखों में देखा, पत्थर दिल वाले बेटों को पथराई आंखों में देखा। उम्मीदों की ढली दोपहर एक कसैली सांझ हो गई, दो दो बेटों की महतारी अंत समय में बांझ हो गई। उम्मीदों की ढली दोपहर एक कसैली सांझ हो गई, दो दो बेटों की महतारी अंत समय में बांझ हो गई। कभी स्वार्थी सगा न होगा, कितनी भी ऊंचाई छू ले, मां को भूले बाप को भूले, बाप की तुम संपत्ति न भूले। जो भी पास है बेच के दे दूं, गांव छोड़ दूं, शहर चलूं मैं, कहां से अब विश्वास वो लाऊं, शहर चलूं और हाथ मलूं मैं। माना माना कम है सुख सुविधाएं, लेकिन जीने का आधार बहुत है, पैसा बहुत नहीं है, लेकिन मेरे गांव में प्यार बहुत है। वाह वाह
और एक कड़ी बात कह रहा हूं आज के इस समाज से। कहा बाप ने कि तुम दोनों इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़े हुए हो। पछतावा हो रहा है उस बाप को, कितना कष्ट करके इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़ाया। तब कह रहा है कि तुम दोनों इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़े हुए हो, अंग्रेजी में बचपन बीता, अंग्रेजी में बड़े हुए हो, तो तुम जो यह व्यवहार किए हो यह ताज्जुब की बात नहीं है। तुम जो यह बर्ताव किए हो यह ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी की किसी किताब में श्रवण कुमार का पाठ नहीं है। जिंदाबाद, अभिनंदन अभिनंदन। कि तुम जो यह बर्ताव किए हो यह ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि अंग्रेजी की किसी किताब में श्रवण कुमार का पाठ नहीं है। रास्ता देख रहे अशकों का आशीर्वाद भी ले न सके तुम, मेरे लायक बेटों माँ को अंजलि भर जल दे न सके तुम। देखो इसका नाम है कल्लू, वही एक नौजवान गांव का पड़ोस का खड़ा हुआ है। तब इशारा किया बाप ने कि देखो इसका नाम है कल्लू, हमें खिलाकर फिर कुछ खाया, 3 महीने साथ रहा ये कब सोया मैं जान न पाया। बेटा वह जो बुझते मन में जीवन की ये कास जगाए, बेटा वह कपते हाथों की जो बढ़कर लाठी बन जाए। तुम दोनों इतिहास रचे हो तो मैं भी नया इतिहास रचूंगा, खेत बाग घर जो भी पास है सब कल्लू के नाम लिखूंगा। बहुत अच्छे, वाह वाह। और मैं ऐसे ही नहीं सुना रहा हूँ, 25 बीघा कला जमीन लिख दिया, ये सच्ची घटना है, अखबार में निकली तब मैंने लिखा। लिख दिया उस बाप ने, कहा कि खेत बाग घर जो भी पास है सब कल्लू के नाम लिखूंगा, अब न मुझे परवाह कि मुझको स्वर्ग नर्क या मोक्ष मिलेगा, मैं कल्लू को हक देता हूं, यही मुखाग्नि मुझे अब देगा, मैं कल्लू।